तो गाइस ये मुखी भी उड़ रहा है गाइस ये, क्योंकि अब थोड़ा हल्का हो चुका है। अबे यार ये फिर हक दिया खाला। इसके ऊपर देखो क्या हुआ। तो गाइस इसके ऊपर कल चूचे ने पेटले कर दिया। जाल में करो ना। तो गाइस अभी एक कबूतर आके बैठा है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला कलदुमा नया बिल्कुल है, अभी आके बैठा है। गजाली ने मुझे भी नीचे से बुलाया कि हमजा भाई कबूतर आया है। नहीं, ये आप देख सकते हैं, पकड़े हैं ये, मैं उतारूंगा, अगर ये उड़े तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको सीधा छोड़िए, मैं पहले सब उतारूंगा। ये पलक उसको दूसरे को मत, इसके पीछे देखो उतर आया, उतर आया, उतर आया, छोड़ दो कबूतर, छोड़ दो, जाल में, जाल में करो, पकड़ने का ट्राई मत करो, जब लगे पकड़ लोगे तब पकड़ लेना, ठीक है। बदली नीचे रखना कर, जाल में करो ना, पकड़ दिया, पकड़ दिया, मैं पकड़ लिया कबूतर गाइस। हाँ चलो कबूतर, अरे ये क्या बचा जा रहा है, अगर चुंगी बचा जाए क्यों गाइस, ये कबूतर है गाइस, मैं सोड़ा काफ़ी मस्त पट्टा है गाइस, तगड़ा जानदार। ये देखिए आँखें इसकी, कुछ सफ़ेद आँखें, इधर की आँखें, ये पंजे हैं कुछ इसके, वही पंजे, अब इसके पर बांध के इसको छोड़ देते हैं नीचे, नीचे क्या पता बीमार, क्योंकि आजकल बीमारी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और गाइस हम लोग के अच्छे खासे कबूतर मर चुके हैं, आपको जो पिछली वीडियो में बताई था, और हम लोग की जो मुखी की कबूतरी थी एक साल पुरानी वो भी मर गई, इस वाले मुखी की काफ़ी अफसोस। अब मुझे जाल भी साफ करना चाहिए, क्योंकि आजकल वायरस चल रहा है। एक बेदाग कबूतरी भी भाग गई थी गाइस, काफ़ी मस्त कबूतरी भाग गई थी, मगर आ गई वापस, काफ़ी टाइम तक अभी उड़ रही थी। और आपको मैं बताता हूँ कहाँ से मैं कबूतरी लाया था, वहाँ पे कबूतर जो खुले दिख रहे उनके यहाँ से लाया था गाइस, और उनके कबूतर खुले भी थे, वो फड़के भी दे रहे थे, तब भी ये कबूतरी उतरी नहीं, सीधे अपने घर आई। यानी खुद दिखाया काफ़ी जान लगा रहा है किसी का, मस्त कबूतर है, इसके पर वर बांध दिया, देख सकते हैं टेप लगा दिया, पट्ठे ही अभी है, इसके जल्दी पर भी खोल देंगे हम लोग, इसका आपको शौक कराते हैं। ये देखिए वाइट आइज़ है, काली चोच है, और मतलब थोड़ा इसको कबूतर ने शायद किसी का मारा, कलुमा कलपड़ा कबूतर है ये, कुछ दुम है इसकी, खुली दुम का कबूतर है। दुम कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दुम का, मतलब एक झाड़ दी है। और गाइस ये कुछ इसके पंजे वाइट पंजे, सफ़ेद पंजे, सफ़ेद नाखून, और ये कुछ कबूतर है। और स्टैंडिंग पोजीशन आपको दिखा देते हैं, ये कुछ स्टैंडिंग पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पट्टी है ये। मैं ऐसे ही खाली बैठा था, मुझे पता ही भी नहीं था कबूतर कोई आ रहा है, मैं अपने चीने कबूतर को मतलब ऐसे ही हम लोग बैठे थे, मजाक कर रहे थे उन लड़कों से, वो बैठे उनसे कह रहे थे कबूतर आएगा अभी, मतलब मैं से बता रहा था कबूतर, वो बैठा ये वो कर रहे थे ऐसे ही, और एकदम से ये कबूतर इधर से आ रहा था, मैंने फड़की दी, फड़की मतलब फड़की दी, तब पर रोके हल्के से, उतर नहीं रहा, फिर मैंने फ़ौरन चीना पड़ा, चीने को फेंक दिया, ये उड़ने लगा चीने के साथ, फिर मुझे मैंने उसके ऊपर देखा एक बेदाग कबूतर, ये बेदाग किसका है, छत पे देखा अपनी बेदाग कबूतरी ने, और फिर बेदाग कबूतरी तो मतलब आई नहीं, पहले घूमती थी इधर उधर उधर उधर, वहाँ तक भी चली गई, वो ब्लू टंकी दिख रही है बहुत दूर चली गई, मतलब फिर घूम फिर के इधर से उधर, फिर सीधे जिनके यहाँ से लाया था उनके यहाँ भी नहीं गई, फिर सीधे आके यहाँ से उतर गई। काफ़ी अच्छा कबूतरी उड़ रही है, बेदाग कबूतरी भी हम लोग उड़ाएंगे इंशाल्लाह। और ये कबूतर है कुछ कलदुमा गाइस, इस पर मेरा डाउट जा रहा है, मैंने शायद एक कबूतर है, एक दोस्त का ही अगर होता है उसको दे भी देंगे, पक्का नहीं अभी, कंफर्म नहीं जा रहा है, अगर कंफर्म हो गया तो उसको दे देंगे। तो गाइस इस कबूतर को इस पेट में रख दिया है, अभी गाइस इसका पता नहीं क्योंकि कुछ कंफर्म, तो गाइस इसको अगर जिसका होगा दे देंगे,
तो गाइस इस कबूतरी ने भी अंडा दे दिया था गाइस, आपको दिखाते हैं। एक अंडा रखा है इसके नीचे, एक अंडा शिराजी के नीचे रख दिया था। और गाइस दो पट्टे निकले, आपको दिखाई देते हैं। एक ये है, एक ये है। और गाइस ये बेदाग कबूतरी चली गई थी, दिखाई ये मुर्गी के अंडों पे बैठी। और गाइस दो बास कबूतरी मर गई थी, यहाँ रहती थी जो इसका मुखी कबूतर से जोड़ा लगा था। और कबूतर आजकल रेड रेड बीट कर रहे हैं, आपको दिखाऊं, क्योंकि आज इनको आजकल ईंटों का चूरा खाते हैं ये लोग, तो रेड ही रेड बीट करते हैं। इससे आप भी अपने कबूतर को ईंटों का चूरा खिलाइए तो कबूतर काफ़ी सही रहते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट बाहर और जाल को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि जाल हो गया काफ़ी गंदा, कल ही साफ किया था फिर गंदा हो गया, अब जल्दी से साफ कर लेते हैं। तो गाइस एक कबूतर गजाली ने उड़ा दिया, इस टाइम भी कलाबाजी मारता है, देख सकते हैं। मुखी उड़ा है, हाँ। वो रहा। गैस अब इतना दिल भी नहीं करता जब से इसके कबूतर मर गए उड़ाने का। अब गैस इंशाल्लाह कबूतर सही होते हैं, फिर से अपना पुराना वाला सीन करते हैं, ढेर सारे कबूतर उड़ाते हैं और अब से मुखी को भी उड़ाएंगे, ठीक है। हम से मुखी को भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह उड़ाने के लिए, बिल्कुल मुखी भी उड़ेगा। मुखी आज अड्डे पे भी बैठ गया, पता नहीं क्या सोच के, वरना मुखी अड्डे पे नहीं बैठता गई। और आज से एक चीज़ सोच ली, कबूतर भी नहीं पकड़ने कबूतर, क्योंकि शायद इसी वजह से वायरस में आ गए, पकड़ने की वजह से कबूतर मैं पकड़ता था। मगर ये रामपुरी कबूतर काफ़ी अच्छी टाइमिंग करता है, मगर ये ऐसी शाम को ऐसी होता है, क्या उड़ो तीन उड़ो मैं आज मुखी भी उड़ गया बड़े दिनों पुराने पुराने कबूतर उड़ रहे मुखी। तो गाइस ये मुखी भी उड़ रहा है गाइस, ये क्योंकि अब थोड़ा हल्का हो चुका है तो ये तगड़ा होता है गाइस, थोड़ा पट्टा भी उड़ा है। हम उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जाल बना है तब से ये पहली बार इतनी ऊँचे गया है और इसकी कबूतरी भी गाइस मर चुकी है, और इतना तो इसके ऊपर भरोसा ही कबूतर कहीं नहीं जाएगा, इसका तो अपना पुराना कबूतर ही है। तो गाइस कबूतर उधर गिर रहा है, और ऐसी दिखाइए कबूतर गिर रहा है। काफ़ी भारी है तब भी इतना टाइमिंग चल रहा है माशाल्लाह, अच्छी थी 15-20 मिनट की, या फिर इसका जा रहे ऊपर दिया खड़ा हो जाएगा। ये डायरेक्ट जाल में जाएगा, छा गया है और पेटी में भी जा रहे मुझे लगा। अबे यार ये फिर हक दिया खाला, इसके ऊपर देखो क्या हुआ। तो गाइस इसके ऊपर कल चिच्चे ने पेट वाले कर दिया। दूसरी बात, तीसरी बात, बिस्कु क्या हो गया एकदम। चलिए इनको उतर, तो गाइस इनको उतर आने देते हैं, ये जितने चार पांच कबूतर बैठे हैं आ जाओ तुम्हारे कहने से आ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर टॉयलेट करने तुम्हारे कहने से आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। कबूतर भी पकड़ लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, अपने चार पांच कबूतर खुले हैं गाइस। और एक दो थोड़ा सा डाउट भी जा रहा है जिसका भी कबूतर है, आपको एक बार बाहर निकाल के अकेला कबूतर दिखाते हैं हम लोगों ने इस पेटी में डाल दिया उसे, ये नहीं हुआ तो गाइस इसके हम लोग पर भी बहुत जल्दी खोल देंगे। हम तो ये पहले से उस टाइम जब आया था तब इतना एक्टिव नहीं था, अरे किसी का होएगा नहीं, किसी अल्लाह के बंदे का होएगा। तो गाइस अगर यह किसी का नहीं निकला तो इसके पर भी खोल देंगे। इसके पर भी जल्दी खोल देंगे क्योंकि पट्टी है छोटी सी। तो गाइस काफ़ी तगड़ा वायरस आया था गाइस, काफ़ी कबूतर मर गए अपने। और गाइस इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग न्यू पिजन भी ले आएंगे, थोड़ी बीमारी जब लगने लगे चली जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बेहतरीन कबूतर लेके आएंगे। और एक दो कबूतर बीमार भी हैं अभी, दो तीन कबूतर बीमार है ना, तो गाइस उसमें से तीन में से इंशाल्लाह एक कबूतर दो कबूतर तो सही है, एक कबूतर की थोड़ी चांसेस मतलब ख़राब लग रही है बचने वाली, तो गाइस अब देखते हैं वो भी जो किस्मत में वो बच जाएगा। एक फुलसरा अपना बीमार है, मतलब वो तो गर्दन तोड़ ही में, मतलब वो काफ़ी सही हो चुका है गर्दन तोड़ से, मैंने बताया था गर्दन तोड़ में आ गया था फुलसरा गाइस, गर्दन तोड़ में आ गया था और उसकी कबूतरी थोड़ा दाना लगा लिया था उसने, मैंने उसका दाना वाना पलटा के फिर उसे छोड़ दिया था जाल में ही, तो मैंने जाल में सोचा ना डालूं उसे नीचे डाल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।